करने आया ए सखी काई मनवारी करूं हाल भराऊं तुम दर्शिए रहे गज मोतियां रो ये ऊपर ने धरी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। अभी हम लोग हैं जैसलमेर में सैम सैंड ड्यून्स में, और यहाँ पे अभी हमने आपको सनसेट व्यू दिखाया और साथ ही साथ आपको कैमल राइड दिखाई। सनसेट व्यू अभी देखा, कल मॉर्निंग में हम लोग का जो व्यू रहेगा जो वो रहेगा सनराइज का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं हम कैमल राइड, फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे सैम सैंड ड्यून्स में होती हैं। उसके बाद आप आराम से पहुँचिए। अभी हम लोग फिलहाल देखिए ऊंट पे हैं, ये देखिए, और आगे रेनू बैठी हुई हैं बिल्कुल झांसी की रानी की तरह डरते हुए, और पीछे मैं बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा कैमरा शेक कर रहा होगा, फ्रंट कैमरा थोड़ा सा शेक करता है, और आराम से आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मजे कराते हैं यहाँ ड्यून्स के। देखिए आपको हमारा रिजॉर्ट दिख रहा है जहाँ पे हम रुके हैं। ये देखिए सामने एक उष्ट भी दिख गया आपको, उष्ट भी दिख गया। तो ए रेनू, ये पानी की बोतल ऊंट से दूर रखना, ऊंट इसे पिएगा तो फिर थूक देगा। पता है क्यों थूक देगा? क्योंकि बिस्लेरी नहीं है, है ना? ये बिस्लेरी नहीं है, ये डिजर्ट प्रिंस है। डिजर्ट प्रिंस है तो ऊंट से थूक देगा, पता है ना? ऐड देखा है ना, बिस्लेरी असली बिस्लेरी नकली वाला, इसलिए ऊंट से मैं दूर रखता हूं। दोस्तों कैमल सवारी में आप ऊंट के ऊपर उड़ने की आवाज सुनिए। कैसा लग रहा है तुम? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि डर लग रहा है? दोस्तों बहुत ही अलग मजा होता है ये डेजर्ट सफारी का, बिल्कुल अलग मजा होता है। आपको मजा आ जाएगा ऐसे सफारी करके, तो आप जरूर इस तरह की सफारी करिए। वो देखिए, ये उठ के बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, उतर रहे हैं लोग। अरे ये देखिए, वो देखो दौड़ तो मारा, वो डर ही नहीं। तो ये भी दौड़ेगा? नहीं नहीं, प्लीज दौड़ाना नहीं, दौड़ाना नहीं, दौड़ा लेना, अभी थोड़ी देर बाद दौड़ा लेना। तुम तो पैर भी रखी हुई हो, फिर क्यों डर रही हो? दोस्तों देखिए कितना अच्छा व्यू है, और ये हम लोगों की परछाई, ये देखिए शेडो, हाँ थोड़ा शेडो, ये देखिए हम लोगों की शेडो है। सो ड्यून्स के बारे में आप सब जानते ही होंगे, कैसे ड्यून्स बनती है, कैसे आती है, कैसे आती है, और सब बहुत ही सब चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पूरा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ये कैमल राइड है। अगर आप राजस्थान आते हैं, जैसलमेर आते हैं, तो आप एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। और हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जिस रिजॉर्ट पर हम रुके हैं, पर्ल रिजॉर्ट, आप वहीं पर आइए, वहीं पर रुकिए, मज़ा आ जाएगा आपको दोस्तों। और बहुत ही अच्छी हॉस्टिंग है, अभी तक जितना हम लोग के साथ आए जो भी रिस्पांस मिला है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कल यहीं पे हम लोग की जीप सवारी होगी मॉर्निंग की, अभी हम लोग यहाँ पे सनसेट का मजा लेंगे। चलिए आपको भी दिखाते हैं सनसेट। क्या हो गया इसको, सो गया? मना कर दिया क्या आपको ले जाने से? इसको किंगफिशर तो नहीं पिला दी?
देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू है पूरे ड्यून्स का। ये देखिए पूरे ड्यून्स का कितना अच्छा, और सनसेट लगभग लगभग हो ही रहा है, शायद 5 मिनट और बचे हैं सनसेट होने में, 6:15 के आसपास का टाइम है सनसेट का। देखिए इधर से भी कुछ लोग आए हैं बाहर से, कुछ यहाँ पे बीच में लोग आपको कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए भी दिख जाते हैं, यहाँ पे लोग आपको कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए दिख जाते हैं, आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं एक्टिविटी का। और ये देखिए पूरा सनसेट का व्यू, बिल्कुल सनसेट होने ही वाला है, मज़ा लेते हैं इस सनसेट के व्यू का। हमारे कुछ फोटोग्राफ है, हमारी फोटोग्राफ्स को देखने के लिए, यहाँ के ऑपरेटर की फोटोग्राफ को देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जो है जिसका लिंक आपको नीचे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप देखिए और आप हमारे सारे ट्रिप जो है उनका मज़ा लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है अक्टूबर का, लगभग 22-23 तारीख है आज, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं, पूरा मज़ा आएगा आपको इसका, ये लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट। दोस्तों अगर आप कैंप के थ्रू नहीं आते हैं तो यहाँ पे जीप सफारी का नॉर्मल डेज में 800 रुपये से 1000 रुपये और कैमल का नॉर्मल डेज में 300 से 500 रुपये लगता है। और अगर आप कैमल की जो गाड़ी होती है ना जिसमें 3-4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे ही, तो उसका रेट लगभग लगभग जो पता चला वो 400 से लेके 700-800 रुपये तक भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग के लगभग हो रहे हैं अभी 6:20 और हम रेडी हो गए हैं जीप सफारी के लिए। ठंड है इसलिए हमें एक लाइट जैकेट पहननी पड़ रही है, हवा चल रही है तेज, और कैमल सफारी हमने शाम को कर ली थी सनसेट के समय, अभी सनराइज़ का टाइम है तो हम जीप सफारी कर रहे हैं। और गाड़ी हमारी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है, रेनू भी क्या पहना हुआ है, क्या बोलते हैं बोचू, ये मनाली से लाई थी, 2 साल से रखा हुआ था, अब 2 साल बाद इसका इस्तेमाल अब यहाँ पे जैसलमेर में हो रहा है, मनाली की चीज़ का इस्तेमाल जैसलमेर में हो रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं जीप सवारी के लिए, आपको मज़ा दिलाते हैं जीप सवारी का और साथ ही साथ आपको ले चलते हैं सनराइज़ दिखाने के लिए, है ना भैया? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खान भाई हैं, ये हम लोग को जीप सवारी कराएंगे। भाई बताइए ज़रा एक बार कैसे ले जाएंगे, कहाँ पे रेजेट पे जाएंगे? स्टार रेजेट पे, जेट पे 45 किलोमीटर रहेगा राइडिंग अपना, ठीक है, वहीं से घुमाएगा सनराइज करा के, ओके, फिर आराम से वापस आएंगे, ठीक है, तभी आप चलो तो बताएंगे सर पूरा, ठीक है। चलिए अभी रास्ते में चलते चलते हमें डिटेल देंगे, चलिए शुरू करते हैं इसे हम। दोस्तों ये मजा बिल्कुल अलग है जीप सफारी का, और कैसा लग रहा है रेनू? हाँ डर भी लग रहा है रेनू को और एक्साइटमेंट भी बहुत लग रहा है ना। दोस्तों सनसेट का टाइम लगभग हो ही गया है और
ये मजा बिल्कुल ही अलग है। एटीवी कॉट बाइक अपन खुद भी चला सकते, कोचेस्टर भैया को भी ड्राइव कर सकते हैं। इसका क्या अलग अलग टेक रहा है, यहाँ से पूरा अंदर जाएंगे बेसन में 250 मीटर स्लाइड रहेगा, जहाँ अपने गाड़ी कैमल कोई कुछ नहीं तो वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ अपने वीडियो स्पीकर का फोटो का स्लाइड रहेगा पूरा अंदर का स्लाइड के ऊपर आके फिर लगेंगे। ठीक है, इसका क्या अलग अलग टेक राइड है, जितना आप लंबा करेंगे उस समय उसमें कौन सी राइड करना है कैसे करना वो डिसाइड आप ले सकते हैं। ठीक है, हिसाब से रहता है उसका अलग अलग टेक रेट, जितना लंबा 1200 है 1500 1800 जैसे आप राइड करो। 1200 वाले कितना रेट रहता है, 2 किलोमीटर रहेगा उससे आगे 2.5 किलोमीटर का, उससे 3 किलोमीटर का जितना लंबा करो। तो 2 किलोमीटर का कितना चार्ज होता है, 1200 रुपए, उससे आगे 1500 उससे आगे 1800। अच्छा 1800। ये जो बाइक जा रही है कोई भी चला सकता, कोई भी इसमें खाली 1500 रुपए के कोई भी चला सकता है। ठीक है ठीक है, और जो पैरासेलिंग का बताया, पैरासेलिंग तो वैसे यहाँ पे अभी स्टार्ट होगा। हाँ। उसका तो बहुत कॉस्टली, एक आदमी को परमिशन मिला 2025 समथिंग रहेगा। अच्छा, ओके, सीजन टाइम 4-5 स्टार्ट होता तो सस्ता भी हो जाता है, सीजन टाइम इससे भी सस्ता हो जाता है। ऐसा सीजन टाइम तो और ज्यादा महंगा हो जाना चाहिए, सीजन में क्या ज्यादा स्टार्ट, अभी एक आदमी को परमिशन मिला हुआ है। बाकी सनराइज के लिए लोग विशेष कर वही जाते हैं, सनराइज देखने के लिए बहुत क्वाइट बड़ा बिग डेजेट है, उसी में सनराइज आराम से आ जाते हैं। क्या सनराइज किधर से होगा, सनराइज यहाँ से होगा। अच्छा, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी आपको, आप देख सकते हैं जैसा कि उसने रेट बताया 1200-1500-1800 रुपए के आसपास का एक्टिविटी का जो रेट था, उसके साथ आपको कैमल का भी सफारी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैमल का भी एक रेट मिल जाएगा, वो कैमल का रेट लगभग आपका होता है 500-600। आप और ये सारा आपके ना नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं लोगों से, कितना रेट कम करके नीचे तक ला सकते हैं, इससे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए ये थोड़ा अपनी समझ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सारी एक्टिविटीज़ करिए ना करिए। पैरासेलिंग भी होती है सीज़न के टाइम में जैसा कि वीडियो में बताया, तो ये आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी है। आए हैं अगर आप चाहते हैं भाई ये जिंदगी लास्ट टाइम है या लास्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक्टिविटी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आप चाहते हैं तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है एक्टिविटीज़। और ये सब आपको सब एडिशनल मोटिवेट करेंगे कि सर वहाँ से सनराइज़ पॉइंट अलग दिखता है, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। 100% मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इतना घुमा वीडियो तो अभी 2 साल पहले से बनानी शुरू करी है मैं, 10-12 साल से लगातार तो नहीं घूम रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेवल करी है मैंने, इसलिए इतना आइडिया है कि कौन सी एक्टिविटी में क्या बेनिफिट है, इसका आइडिया लग गया है अब कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं, कहाँ पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। ये आपके सामने है बहुत ही खूबसूरत व्यू सूर्य उदय का, सनराइज का। आप देखिए एक खूबसूरत राजस्थानी गाने के साथ, इसका मजा लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको आगे दिखाते हैं और ये वीडियो एंड करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, बहुत कोशिश करी है हमने आपको अपने सारा जितना भी ज्ञान था कि जो आपके ट्रेवल में सपोर्ट करे सारा आपको हमने इस वीडियो में दे दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो मज़े ले रहे हैं अभी हमने आपको जो सबके साथ वीडियो दिखाई, वो हमने दिखाई आपको जीप सवारी की। दोस्तों मज़ा आ गया, बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। लोग दुबई जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं, या जैसलमेर आते हैं बोलते हैं दुबई जैसा फील आ रहा है। मैं तो आपसे ये कहूँगा जब आप दुबई जाइए तो वहाँ पे ये बोलिए जैसलमेर जैसा फील आ रहा है, क्योंकि दुबई से पहले आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर कर लीजिए, तब आपका मज़ा जो है वो दोगुना नहीं 8 गुना हो जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। हम अभी थोड़ा सा यहाँ पर वॉक करते हैं, कुछ फ़ोटो क्लिक कराते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठे थे इसलिए ऐसे ही नॉर्मल बिना नहाए धोए आए हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं बिना नहाए धोए आए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी नहाने की, ठंडा पानी था, और नहाने के चक्कर में यार सनराइज अगर निकल गया तो ये एक्सपीरियंस हमारे हाथ से निकल जाता। यहाँ से जाएंगे तब हम लोग अपने सारे दैनिक क्रियाकलाप करेंगे, है ना रेनू? ये देखो मैंने तो ब्रश व्रश कर लिया। हाँ तो ब्रश व्रश तो हम भी करके निकले हैं, ऐसा ही नहीं है यार, ब्रश दो करके निकले हैं लेकिन बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जीप सवारी वाला बंदा जो है वो भी बेचारा सो ही रहा था, हम उठे हैं जब 6:10-6:15 पे, तो हमने उनको उठाया है, जाहिर सी बात है आदमी थका हुआ होता है,
उनको उठाया है, फिर हम आगे आए हैं। दोस्तों अब हम आपको रास्ते के कुछ व्यू दिखाते हुए ले चलते हैं कैंप की तरफ। दोस्तों लगभग 1.25 घंटे के आसपास की जीप सफारी करने के बाद हम वापस अपने कैंप आ गए। ये है देखिए कैंप का पार्ट, मॉर्निंग का लगभग 7:30 हो रहे हैं अभी, और बहुत ही मज़ा आया जीप सफारी में। उम्मीद है आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रेडी होते हैं और ब्रेकफास्ट करके वापस निकलते हैं अपने होटल की तरफ।